अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और मजेदार सा टूल, जो कि फोटोज में जान डालने के तौर पे काम आता है, जिसका नाम होता है डॉग टूल, बर्न टूल एंड स्पॉन टूल। ठीक है, यहाँ एक चीज क्लियर करता हूँ, हम लोग जो स्टडी टूल की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास स्पॉन्ज टूल है। ठीक है, स्मग टूल और चीज है जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में स्टडी किया है, और स्पॉन्ज टूल हमारा और है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। टू की टूल जो है वो आपके पास ट्यूज टूल जो है वो आपके पास वर्किंग करता है आपकी किसी भी चीज को, उसको लाइटिंग करने के लिए, उसको एक अच्छे उसकी डार्कनेस स्पॉट खत्म करके उसकी फिनिशिंग के तौर पर हम यूज करते हैं। अक्सर हमने पिक्चर्स में देखा होता है फेस बहुत अच्छे से फिनिशिंग किया होता है। और पॉइंट टूल जो होता है वो इसको थोड़ा सा जो पास्ट में कहीं पर शार्पनेस ज्यादा हो जाती है हम उसको फिर लाइट कर रहे होते हैं। और स्पंज टूल का जो काम होता है वो उसका काम है कि उसकी जो कलर की फिनिशिंग, कहीं कलर्स डार्क हो जाए तो उसको लाइट कलर्स में काम करता है। बहुत इजी ही टूल है, अब यूज टूल है। हम लोग चलते हैं अपनी फोटो की तरफ, और मैंने एक फोटो ले ली है आपके सामने। अपनी प्रैक्टिस के तौर पर आप कोई भी पिक्चर्स ले सकते हैं। पहले बात करते हैं हमारे पास अपना टूज टूल। टूज टूल का काम क्या है? अब अपने जो टूज टूल है ये भी सेम हमारे पास आता है बुशी स्टूल की तरह ही सामने, लेकिन हम लोग उसको लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं। क्लोज ब्रैकेट से स्टार्ट ब्रैकेट हम इसको स्मॉल करते हैं, और एंड ब्रैकेट हम इसको लार्ज करते हैं। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ अपनी पिक्चर्स के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि इसका काम क्या है। इसने उस पिक्चर्स को थोड़ा सा फिनिशिंग में कर दिया डार्क। इसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट टूल है, हम लोग यहाँ से अपना जो टूल है वो हम लोग ने ब्रश टूल जो ले वो बहुत ज्यादा एजिस पे स्मूथ वाला नहीं था कि हमारे जो पिक्चर्स पे अप्लीकेशन उसकी आनी है वो बड़े इजीली है। हम लोग इसको यहाँ से इसकी इसे कर्सर को और स्मॉल कर रहे हैं और लाइट अप्लाई करके देखते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो टून है वो चेंज हो गई है, हमारे पास कलर जो टून है वो चेंज हो गया है। ठीक है, आप अपने चेहरे की फिनिशिंग के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं, व्हाइटनेस कर सकते हैं अपने पिक्चर को, जो अगर डिल होता है हम उसको व्हाइट कर सकते हैं। ये इसका यूज है, इसको भी रफली यूज करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग अभी इसको जितना एक्सप्लोर कर ही देंगे, इसको जूम करके उसी कर्सर को डाउन करना पड़ता है। तो क्लासेस में हम लोग आपको ये चीज नहीं करके देते, लेकिन हम लोग उसके टूल की वर्किंग जरूर आपको बता सकते हैं कि आपने इस टूल से वर्किंग कैसे करनी है। फिर बात की बर्न टूल, तो बर्न टूल का काम क्या है कि हमारे पास जैसे अगर इस पिक्चर की बात की जाए, हमारे पास यहाँ पर फिनिशिंग कुछ ज्यादा आती है, तो मैं यहाँ से इसको बर्न टूल की मदद से इसको थोड़ा सा डार्क पे में इसकी लेके आ सकते हैं, इसकी जो है उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने पिक्चर को थोड़ा सा डार्क स्पॉट में लेके आ चुका हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा डॉग शूल का। मैंने बहुत ज्यादा ही इसको यूज कर लिया इसलिए मेरी पिक्चर थोड़ी सी ओवर हो गई है। तो मेरे पास जो ओरिजिनल पिक्चर थी वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट साइज में उसकी सेटिंग हुई हुई थी पेजेस के ऊपर, तो इसलिए आपको ये थोड़ा वर्किंग है। अगर बात की जाए मेरे पास स्पॉन्ज टूल की, तो स्पॉन्ज टूल हमारा जो है वो कलर्स को डाउन करता है, जैसे कि यहाँ कलर डार्क है। ठीक है, ये हमारे ब्लैक एंड व्हाइट कलर कंट्रास्ट का यूज करके हमारे जो डार्क कलर्स को उनको कम करता है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, इसको मैंने इस हिस्से को डार्क कर दिया है, और अब मैं अपना स्पॉन्ज टूल लेकर यूज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर उसने उसके जो कलर्स मोड है उसको उसने डार्क करके उसकी शेड्स को ब्लैक में करती है। तो हम लोग किसी भी चीज को कलरफुल से ब्लैक एंड व्हाइट करना हो तो हमारे पास क्या टूल है, स्मोक टूल अप्लाई करें और 1 सेकंड में हमारी जो पिक्चर है उसके कलर शेड ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड में चले जाते हैं। तो बहुत इजी वर्क था, एक सिंपल की याद कर लें। टू टूल से आप लोग अपनी किसी चीज को ब्राइटनेस फिनिशिंग दे सकते हैं, बर्न टूल से आप चीज की किसी पर लाइट ज्यादा पड़ी हो वहां से उसको डार्कनिंग मोड दे सकते हैं, और स्पंज टूल से आप लोग उसके कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं। इनको माइनर माइनर से अपने पिक्चर में यूज करना है, मैं इतना बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, मैं तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, इसलिए मेरे पिक्चर्स में ज्यादा यूज होता है। हमारे जो ओरिजिनल पिक्चर में होते हैं उसकी फिनिशिंग आप फेस पे देख सकते हैं, या शेडोज आप उसको रिमूव कर सकते हैं। डिफरेंट आई मोस्टली हम लोग जो अपना टूज टूल यूज करते हैं वो हमारे अपने डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। और लास्ट एक चीज और बता देना, कोई क्वेश्चन कोई डाउट्स हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। सबमिशंस के अंदर क्वेश्चन नहीं करने, वहाँ आपने अपना जो समझ आई है वो लिख के एंटर करना है। स्टूडेंट बॉक्स अवेलेबल है, वहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी अटैच है आपके डैशबोर्ड के ऊपर, वहां से आके आप लोग हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। मेरे सिंपल व्हाट्सएप ही अटैच है कोर्स की, वहां से आप मुझे एज अ व्हाट्सएप के थ्रू कॉल, वॉइस या मैसेजिंग के थ्रू रब्ता करके अपने सोल्यूशन को ले सकते हैं मेरे से। अल्लाह हाफिज़।